नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस छोटे से वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम जो है हिंदू मैरिज एक्ट की चैप्टर फर्स्ट की सेक्शन 1, 2 एंड सेक्शन 4 पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए मित्रों, इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो है, जिसमें हमने हिंदू मैरिज एक्ट के स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट पर चर्चा की थी, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर लिंक जो हम दे रहे हैं उसमें आप जाकर देख सकते हैं। चलिए मित्रों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मित्रों, हिंदू मैरिज एक्ट का जो चैप्टर फर्स्ट है, ये बात करता है प्रीलिमरी बातों के बारे में, प्रारंभिक बातों के बारे में। इस चैप्टर में टोटल 4 सेक्शंस हैं, 4 धाराएं हैं, और इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा कर रहे हैं धारा 1, धारा 2 और धारा 4 के ऊपर। धारा 3 के ऊपर इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो मित्रों, बात करते हैं सेक्शन 1 की, धारा 1 की। देखिए मित्रों, धारा 1 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, ये बताता है इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम और विस्तार। इस धारा में 2 सब क्लॉज हैं। सब क्लॉज 1 बात करता है संक्षिप्त नाम का, जो कहता है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिंदू विवाह अधिनियम 1955, और इंग्लिश में बोले तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है। और इसका जो सब क्लॉज 2 है, ध्यान दीजिएगा मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब क्लॉज 2, क्योंकि यहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो सब क्लॉज 2 बोलता है इसका विस्तार कितना है, इसका जो है विस्तार क्षेत्र कितना है। तो मित्रों, इसका विस्तार क्षेत्र है जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब ये अधिनियम बना था 1955 में, तब जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ था आर्टिकल 370 के प्रभाव के कारण। तो ऐसी स्थिति में जितने भी भारत में जो कानून लागू थे, वह जम्मू कश्मीर राज्य पर तभी लागू किए जा सकते थे जब वहां की विधानसभा उस कानून को पारित कर दे। तो ऐसी स्थिति में हिंदू मैरिज एक्ट जो है उस वक्त जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं था, लेकिन वर्तमान में, ध्यान दीजिएगा मित्रों, वर्तमान में क्योंकि आर्टिकल 370 के प्रभाव को हमारी संसद ने समाप्त कर दिया है, तो भारत में जितनी भी विधियां हैं, वह जितने भी कानून हैं, वह सब की सब अब जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू है। तो मित्रों, इसका मतलब वर्तमान में जो हिंदू मैरिज एक्ट है, यह जम्मू कश्मीर राज्य के सहित संपूर्ण भारत पर लागू है, पहली बात। अब इसके बाद आगे बात करते हैं, और यह उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, अर्थात पूरा भारत, अधिवसित। अब यहां पर यह ध्यान दीजिएगा, अधिवसित उन हिंदुओं को भी लागू है जो उक्त राज्य क्षेत्र से बाहर है। अब मित्रों, विशेष बात है कि मान लीजिए कि भारत का कोई हिंदू है और जो किसी भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं का डोमिसाइल है, कहीं का अधिवसित है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो हिंदू किसी कारण से अगर भारत के बाहर चला जाता है या भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर चला जाता है और वह डोमिसाइल भारत का ही है, तो ऐसी स्थिति में भी हिंदू मैरिज एक्ट उस पर लागू होगा। वह दुनिया में कहीं भी चला जाए, वह हिंदू दुनिया में कहीं भी चला जाए, लेकिन अगर उसका डोमिसाइल भारत का है तो उसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट केस है, एक रिपोर्टेबल केस है, ध्यान दीजिएगा मित्रों, सोंदूर गोपाल वर्सेस सोंदूर रजनी का केस, AIR 2013 का केस, रिपोर्टेबल केस है मित्रों। इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि भाई जो हिंदू मैरिज एक्ट है, ये भारत के बाहर के उन हिंदुओं पर भी लागू है जिनका डोमिसाइल भारत का है, जिनका जो है अधिवसित जो भारत के हैं, अगर वो भारत के बाहर चले गए हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट जो है उन पर भी एप्लीकेबल होगा। चलिए मित्रों, अब बात करते हैं सेक्शन 2 के ऊपर। मित्रों, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 2 जो है, ये बताता है अधिनियम का लागू होना। ध्यान दीजिएगा मित्रों, धारा 1 में हमने देखा था हिंदू मैरिज एक्ट का एक्सटेंशन कितना है, तो वहां पे हमने देखा हिंदू मैरिज एक्ट का एक्सटेंशन जो है संपूर्ण भारत पर है। इसी के साथ साथ ये भारत के बाहर के उन हिंदुओं पर भी लागू होता है जिनका अधिवास जो है भारत में, या जिनका डोमिसाइल भारत है और वो हिंदू अगर भारत के बाहर चले गए हैं तो उन पर भी ये एक्ट लागू होता है, उसका विस्तार क्षेत्र जो है उन पर भी होता है। लेकिन धारा 2 में क्या बताया गया है, धारा 2 में ये बताया गया है कि जो इस अधिनियम का विस्तार क्षेत्र है, उस विस्तार क्षेत्र के भीतर यह अधिनियम किस किस पर लागू होता है। तो मित्रों, इस धारा 2 के 3 उपखंड हैं, जिसमें से पहले उपखंड पे हम बात कर रहे हैं। उपखंड 1 बोलता है यह अधिनियम लागू है किस पर, ए पॉइंट है, ये बोलता है ऐसे व्यक्ति को जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप,
देखिए मित्रों, हिंदू धर्म जो है बहुत पुराना धर्म है, या कह सकते हैं सनातन धर्म है, और इसका विकास और इसके रूप में जो है धीरे धीरे परिवर्तन होता गया, इसके नए नए रूप निकल कर आए। तो किसी भी रूप या विकास के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो कि हिंदू हो उस पर यह अधिनियम लागू होगा। इसी के साथ साथ इसमें यह भी बता दिया है क्लॉज ए में कि जिसके अंतर्गत वीर शैव जो है कर्नाटक के अंतर्गत फैला हुआ एक समुदाय है, या कह सकते हैं एक पंथ है, जो कि भगवान शिव को मानता है। तो वीर शैव लिंगायत ये भी कर्नाटक में एक समुदाय है या एक पंथ है, और जो ये समुदाय जो है लिंगायत समुदाय जो है ये भगवान शिव के शिवलिंग को जो है मानता है या शिवलिंग की पूजा करता है। तो ये लिंगायत लोग के अनुयायी जो है वह भी इसमें शामिल है। इसके साथ साथ ब्रह्म समाज के जो अनुयायी हैं, जो कि ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है स्थापित किया गया एक पंथ है, तो इस ब्रह्म समाज के अंतर्गत आने वाले जो अनुयायी हैं उन पर भी ये एक्ट लागू है। इसके साथ साथ प्रार्थना समाज, देखिए मित्रों, प्रार्थना समाज जो है इसकी स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग जी ने, और इस प्रार्थना समाज के जो अनुयायी हैं वह भी इस धारा के अंतर्गत आते हैं, उन पर भी एक्ट लागू है। इसके बाद आर्य समाज जो है स्वामी दयानंद सरस्वती, माफ कीजिएगा मित्रों, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया हिंदू धर्म का ही एक अंग है, या हम कह सकते हैं हिंदू धर्म का ही एक पंथ के रूप में आप इसको ले लीजिए। इसके जो अनुयायी हैं उन पर भी ये एक्ट लागू होता है। इसके साथ साथ इसका जो बी पॉइंट है, उपखंड एक का बी पॉइंट है, वो ये बोलता है कि हिंदू मैरिज एक्ट ऐसे लोगों पर भी लागू है, या ऐसे व्यक्तियों पर भी लागू है जो धर्मतः जैन है, बौद्ध है या सिख है। ऐसे लोग जो कि जैन धर्म के अनुयायी हैं, ऐसे लोग जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, या ऐसे लोग जो सिख धर्म के अनुयायी, वास्तव में देखा जाए जैन बौद्ध सिख ये सभी लोग जो है हिंदू धर्म या हिंदू सनातन से ही निकले हुए लोग हैं, तो इनको भी जो है हिंदू मैरिज एक्ट जो है हिंदू मानता है और इनके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। मित्रों, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन सी क्या बोलता है, 21C, देखिएगा, ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति को जो उस राज क्षेत्र में जिस पर इस अधिनियम का विस्तार है, मतलब कि सेक्शन 1 के तहत इस अधिनियम का जहां जहां पर विस्तार है, अधिवसित हो, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो है इन उस राज क्षेत्र का अधिवसित हो और धर्मता मुस्लिम ना हो, क्रिश्चियन ना हो, पारसी ना हो या यहूदी ना हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होता है। लेकिन यहां पर एक शर्त है, यदि जब तक कि यह साबित ना कर दिया जाए कि यदि यह अधिनियम पारित ना किया गया होता, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति एतस्मिन् उपबंध किसी भी बात के बारे में हिंदू विधि, ध्यान दीजिएगा मित्रों, हिंदू विधि या उस विधि के किसी भाग रूप में रूढ़ी या प्रथा द्वारा शासित ना होता। तो मित्रों, यहां पर समझने वाली बात यह है सेक्शन 21C में कि अगर कोई व्यक्ति जो है भारत राज क्षेत्र में या इस अधिनियम का विस्तारित क्षेत्र के भीतर अधिवसित है, उसका डोमिसाइल है, और वह क्रिश्चियन नहीं है, मुस्लिम नहीं है, पारसी नहीं है, यहूदी नहीं है, तो उस व्यक्ति को भी हिंदू मानकर यह एक्ट एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वह व्यक्ति यह साबित कर देता है कि मान लो कि अगर यह एक्ट पारित ना हुआ होता तो वह किसी भी हिंदू विधि के अंतर्गत या उसके किसी भाग के अंतर्गत किसी रूढ़ी या प्रथा द्वारा शासित ना होता, तभी वह इस एक्ट से बाहर रखा जाएगा, अन्यथा उसे सेक्शन 21C के तहत हिंदू मानकर उस पर ये एक्ट एप्लीकेबल कर दिया जाता है। अब मित्रों ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 21 के अंतर्गत जो है एक स्पष्टीकरण है, अब हम उस पर बात कर रहे हैं। मित्रों, उपधारा एक का जो स्पष्टीकरण है वह इस बात को स्पष्ट करता है कि निम्नलिखित व्यक्ति मतलब नीचे जो तीन श्रेणियां दी हैं इनके व्यक्ति धर्मता यथास्थिति हिंदू बौद्ध जैन या सिख हैं। अब कौन कौन से व्यक्तियों को इन्होंने स्पष्ट किया है कि ये भी जो है हिंदू बौद्ध जैन या सिख हैं, तो इसका जो ए पॉइंट है वो ये बोलता है कोई भी अपत्य, अपत्य का मतलब है बालक या शिशु, कोई भी अपत्य धर्मज या अधर्मज, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, जिसके माता पिता दोनों, यहां पर ध्यान दीजिएगा मित्रों, माता पिता दोनों ही
धर्मतः हिंदू बौद्ध जैन या सिख हो तो ऐसी स्थिति में वह बच्चा भी या तो हिंदू या बौद्ध या जैन या सिख माना जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम इसको देखें कि ए और बी दोनों ही हिंदू धर्म के अंतर्गत या तो हिंदू है या बौद्ध है या जैन है या सिख है, या हम इसको ऐसा कह लें कि इस अधिनियम के अंतर्गत ये दोनों ही या तो हिंदू है या बौद्ध है या जैन है या सिख है, तो ऐसी स्थिति में इनका जो अपत्य, इनका जो बालक सी होगा, वह भी हिंदू बौद्ध जैन या सिख जो भी स्थिति हो वह माना जाएगा। अब इसके बाद मित्रों इसका जो बी पॉइंट है वो क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी अपत्य, अपत्य वही बालक है, मतलब कोई भी अपत्य धर्मज या अधर्मज, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेजिटिमेट इलेजिमेट, जिसके माता पिता में से कोई एक, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, कोई एक या तो माता हिंदू है या माता बौद्ध है सिख है जो भी है, या पिता जो है हिंदू बौद्ध सिख है, लेकिन यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है मित्रों, दोनों नहीं होने चाहिए। अगर दोनों होंगे तो क्लॉज ए में चला जाएगा, लेकिन दोनों में से एक अगर हिंदू बौद्ध सिख है तो ऐसी स्थिति में वह जो बालक होगा वह क्या इस अधिनियम जो है यह अधिनियम उस पर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए आगे इन्होंने ये कहा कि धर्मतः बौद्ध जैन सिख है, और अब यहां से इंपॉर्टेंट है, जो उस जनजाति समुदाय समूह या कुटुंब जिसके वह माता पिता में से कोई एक है के सदस्य के रूप में पला हो, यहां पर विशेष बात ध्यान दीजिएगा मित्रों, अगर वह बालक जो है जो कि जिसके माता पिता में से कोई एक हिंदू बौद्ध जैन सिख है, और वह बालक ऐसे हिंदू बौद्ध सिख के अनुसार अगर उसका पालन पोषण हुआ है तो उस बच्चे को भी जो है उस बच्चे के ऊपर या उस बालक उस अपत्य के ऊपर यह एक्ट एप्लीकेबल होगा। अब इसके बाद इसका तीसरा पॉइंट जो है सी पॉइंट है, इसको हम देख लेते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू बौद्ध जैन या सिख धर्म में संपरिवर्तित, मतलब कि कोई क्रिश्चियन था और हिंदू धर्म में संपरिवर्तित हो गया हो, कोई यहूदी था हिंदू धर्म में संपरिवर्तित हो गया हो, कोई मुस्लिम था हिंदू धर्म में संपरिवर्तित हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर भी यह एक्ट एप्लीकेबल होगा, या आगे देखते हैं, या प्रति संपरिवर्तित हो गया हो। अब प्रति संपरिवर्तित से यहां पर तात्पर्य है, मान लीजिए कि कोई क्रिश्चियन था या कोई यहूदी था और वह हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गया हो ना, इसको ऐसे समझे कि कोई हिंदू था मित्रों, यहां पर एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज हो रहा है, अगर कोई हिंदू था और वह किसी अन्य धर्म में परिवर्तित हो गया, लेकिन उसके बाद वहां पर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, वह जो उसके दिमाग में जो रूपरेखा थी वह पूर्ण नहीं थी, तो वह वापस हिंदू धर्म में प्रति संपरिवर्तित हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को भी जो है यह एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो मित्रों इस प्रकार से ये तीन स्पष्टीकरण जो है क्या क्या बताते हैं, अपत्यों के बारे में बताते हैं कि दोनों माता पिता हिंदू हैं तो अपत्य भी हिंदू होगा, बालक होगा, अगर माता पिता में से कोई एक हिंदू है और उस बालक का पालन हिंदू रीति रिवाज या जैन बौद्ध सिख इसके अनुसार अगर उसका लालन पालन हुआ है तो वो बालक भी हिंदू माना जाएगा इस एक्ट के अनुसार, उस पर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। और तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जो है हिंदू धर्म में संपरिवर्तित हो जाता है तो उस पर भी एप्लीकेबल होगा, या फिर प्रति संपरिवर्तित हो जाता है मतलब कि हिंदू धर्म से किसी और धर्म में चला गया और उसके बाद वापस हिंदू धर्म में आ गया तो उसके ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। चलिए मित्रों अब जो है उपधारा दो जो है उसका सब क्लॉज टू हम देख लेते हैं, उपधारा दो देख लेते हैं मित्रों, बहुत सिंपल सी बात है, आपकी स्क्रीन के सामने नीचे आ रहा होगा कि उपधारा दो में केवल इतना ही बताया हुआ है कि ये एक्ट जो है एसटी पर, ध्यान दीजिएगा मित्रों एससी नहीं बोल रहा हूं मैं, एसटी पर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर केंद्र सरकार चाहे तो इस एक्ट को एसटी कम्युनिटी पर भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। अब एसटी कौन लोग होंगे, किसके कौन से एसटी को माना गया, तो उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 के खंड 25 के अंतर्गत जितने भी एसटी कम्युनिटी का वर्णन है उन सब के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन केंद्र सरकार चाहे तो एप्लीकेबल कर सकती है। और इसी के साथ मित्रों इसका जो सब क्लॉज सी है या सब क्लॉज थ्री है उस पर हम बात कर लेते हैं। सब क्लॉज थ्री धारा दो का यह बोलता है कि इस अधिनियम के किसी भी प्रभाग में आए हिंदू पद का, मतलब हिंदू शब्द का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा मानो
उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता हो जो यद्यपि हिंदू ना हो, ध्यान दीजिएगा, धर्मतः हिंदू ना है, तथापि ऐसा व्यक्ति है जिसे यह अधिनियम इस धारा में अंतर्विष्ट उपबंधों के आधार पर लागू होता है। मतलब कि ये एक्ट ऐसे व्यक्ति पर भी लागू होगा जो धर्मतः हिंदू नहीं है, लेकिन वह इस अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत कवर होता है। धारा 2 में जिसका विस्तार क्षेत्र या धारा 2 जिसके ऊपर इस एक्ट को एप्लीकेबल करती है, उसके ऊपर जो है ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, चाहे वो हिंदू ना ही हो। चलिए मित्रों, अब बात करते हैं इस अधिनियम की धारा 4 के ऊपर। तो हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 4 है, ये बोलता है अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव, ओवरराइडिंग इफेक्ट। ध्यान दीजिएगा मित्रों, जब ये एक्ट बना था उससे पहले जो है हिंदुओं के बीच में विवाह से संबंधित कई सारी रूढ़ियां, कई सारी प्रथाएं प्रचलन में थी, और विवाह से संबंधित नियमों को जो है संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियम लाया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रथाएं हैं, जो रूढ़ियां हैं, उनके ऊपर इस अधिनियम को अध्यारोही करने के लिए, इसके अधिनियम के प्रभाव को उन प्रथाओं के ऊपर लाने के लिए सेक्शन 4 जो है बतलाती है इसका अध्यारोही प्रभाव। क्या कहती है सेक्शन 4, बारीकी से देखते हैं। अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव, इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय क्लॉज ए, हिंदू विधि का कोई भी शास्त्र वाक्य, नियम या निर्वचन या उस विधि की भाग रूप कोई भी रूढ़ी या प्रथा जो इस अधिनियम के प्रारंभ के अविवाहित पूर्व प्रवृत्त रही हो, मतलब कि ऐसी प्रथाएं, नियम, शास्त्र वाक्य जो है इस अधिनियम के लागू होने से पहले अगर प्रवृत्त रहे हो, ऐसे किसी भी विषय के बारे में, ध्यान दीजिएगा, मतलब विषय की बात कर रहा है, बारे में जिसके लिए इस अधिनियम में उपबंध कर दिए गए हैं, मतलब ऐसी कोई रूढ़ी प्रथा वगैरह वगैरह जिसके संबंध में इस अधिनियम हिंदू मैरिज एक्ट ने कोई उपबंध कर दिए हैं, मतलब कि विवाह से संबंधित उपबंध कर दिए हैं, प्रभावहीन हो जाएंगी। क्या प्रभावहीन हो जाएंगी? ऐसे शास्त्र वाक्य, ऐसे नियम, ऐसे निर्वचन, ऐसे विधि या भाग के रूप कोई भी रूढ़ी या प्रथा जो है इस अधिनियम के कारण प्रभावहीन हो जाएंगी, यह अधिनियम ओवरराइड कर जाएगा। अब इसके बाद क्लॉज बी क्या बोलता है उसको भी बारीकी से देखते हैं। इस अधिनियम के प्रारंभ के अविवाहित पूर्व प्रवृत्त कोई भी अन्य विधि, अन्य विधि मतलब रूढ़ी प्रथा वगैरह, इनके अलावा भी अगर कोई और विधि हो, वह वहां तक प्रभावहीन हो जाएगी जहां तक कि वह इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों में से किसी से भी असंगत है। मतलब कि हिंदू मैरिज से संबंधित अगर कोई अन्य विधि है और वह इस एक्ट के असंगत है, तो ये एक्ट जो है उस पर ओवरराइड कर जाएगा और इस अधिनियम के प्रावधान लागू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मित्रों धारा 4 जो है इस अधिनियम का ओवरराइड इफेक्ट को बतलाती है। इसी के साथ मित्रों आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने जो है चर्चा करी सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 4 के ऊपर। मित्रों आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, हम यथा संभव हो तो उसका रिप्लाई आपको करेंगे, और अगर हम रिप्लाई नहीं कर पाए तो आपकी जो समस्या है उसके संबंध में हमारा जो नेक्स्ट वीडियो जो है उस पर हम पब्लिश कर देंगे, जिससे कि आपकी जो भी डाउट्स हैं वह क्लियर हो जाए। चलिए मित्रों, उसी के साथ जय हिंद, जय भारत।